नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां गोरेला उप जेल में एक दिन पहले ही लाए गए विचाराधीन कैदी की अचानक तबियत बिगड़ने से इलाज के दौरान सिगत परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। आरोपी छेड़छाड़ के मामले में पेशी में ना पहुंचने के कारण कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एक दिन पहले ही जेल भेजा था। वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मृतक की तबीयत खराब होने के बाद भी उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग भी की है। वहीं जेल प्रबंधक मृतक के मौत के पीछे उसकी तबीयत के खराब होने की वजह मान रहा है, तो जेल के पदस्थ डॉक्टर कैदी की मौत के पीछे जेल में आने से पहले कैदी की सही जाँच ना किए जाने की बात कर रहा है और मामले को सिगत माना जा रहा है। पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र के बदरोड़ी के देवगवा में रहने वाले आदिवासी युवक रघुनाथ सिंह गोड से जुड़ा हुआ है, जो छेड़छाड़ के मामले में जमानत पर था और खेती किसानी के चलते पेशी में नहीं जा पाया, जिसका कोर्ट से स्थायी वारंट भी जारी था, जिसके बाद सोमवार की रात मरवाही पुलिस की टीम ने रघुनाथ सिंह के घर में दबिश दी और रघुनाथ को पकड़ लिया। पर उस समय रघुनाथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और परिजनों ने भी इस बात को पुलिस को बताया, पर मरवाही थाने के पुलिस कर्मियों ने किसी एक की भी ना सुनी और रघुनाथ की डंडे से ढकेलते हुए पुलिस वाहन में बिठाया और मरवाही थाने ले आए, जहां पर कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस ने रघुनाथ को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जहां रघुनाथ की तबीयत बिगड़ने पर उसे गोरेला के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टरों की माने तो रघुनाथ की गंभीर हालत को देखते उसे तत्काल बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया, पर बिलासपुर पहुंचने से पहले ही रघुनाथ सिंह की मौत हो गई। वहीं मामले में मृतक के परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रघुनाथ को दो दिनों से बुखार था, पर बुखार के चलते मौत नहीं हो सकती। वहीं जेल प्रबंधक मामले में रघुनाथ की तबीयत खराब होने के बाद तत्काल इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजे जाने की बात करते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। वहीं तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद रघुनाथ को रेफर करने वाले डॉक्टर की माने तो रघुनाथ को जेल दाखिल करने से पहले उसका सही चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। अगर उस समय उसका सही परीक्षण होता तो उसे जेल नहीं अस्पताल भेजा जाता। वहीं रेफर करने वाले डॉक्टर ने मामले को स्थगित बताते हुए मामले में जांच के बाद सही कारण सामने आने की बात कही है। केशन सिंह बाबा हॉस्पिटल आए है, काबर आए है? अब मेरा लड़का को मार डाल दिया था, तब आए हूँ। कौन मारा है बाबा? अब मैं नहीं जानू, इन पुलिस वाले मारी, कौन मारी देखा मैं नहीं जानू। का नाम रही तोर बाबा लड़का के? रघुनाथ सिंह। अब कहीं ना हुए रही सोमवार के? आई हाँ, घर गए रहे पुलिस वाले, कहीं ना करी। मैं बारी के सोए रहूँ। हाँ आई वो कहो खरा मा रही घर का है। आए हाँ हाँ तो खा घर में घुसर गए, उखर खटिए मारिन चल उठे। बाबा बता रहे हैं कि बीमार रही तोर लड़का है? नहीं बीमार है दादा, बुखार थोड़को बीमार कुछ नहीं, पुरान बीमारी कुछ नहीं, कुछ बीमार नहीं, रोग ना भी था। हाँ नांगर फोन से हाँ बाबू मार डाले पीट पीट के बाबा। अब मैं नहीं जाना दादा, उखा भगवान जाने। लेकिन घटना तो हो गई सी बाबा, आप कैसे करिए, का करत है कहीं ना का बताओ तो दादा। हाँ एक लौता लड़का रही तुम्हार? एक के जे दादा बना दिया, कितना उखरा है बच्चा? छोट छोट तुम्हारे ऊपर तो दुख के पहाड़ टूट गए बाबा। अब कौन देगा इंसाफ बाबा? अब तुम्हें कौन बताऊं दादा, मोर कम से कम मर गए छोटे छोटे बाल बच्चा, कैसे चलेगा चलाएगा, कैसे चलाऊं मैं? एक तो बोल जाऊंगा पाऊंगा चला ही नहीं। कौन कौन रहा पहचानते नहीं हो? मैं नहीं जा कर पाया। अब हम बस सोए हैं उसके देखो। कितना बजे करीब घुसे रहे घर में इन लोग? 12 बजे रात के। रात के 12 बजे रात हुआ, ऐसे निकले रहे भी लोटी अच्छा तब बाहर के रही है गया था और उसकी आज मृत्यु हो गई, कल शाम की मृत्यु हो गई। सर कब लाया गया था, किन आरोपों में लाया गया था, क्या है पूरे मामले में जानकारी? ये रघुनाथ नाम के बंदी परसों शाम को लगभग 6:45 आसपास आए और जेल प्रक्रिया के तहत जेल में जो नए बंदी आते हैं पूछताछ करना, सब
उसके कपड़ा पर उतरवा के पूछताछ किया गया। तब तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि गंभीर बीमारी है उसको, ऐसी किसी प्रकार की एमरजेंसी देखी। एमरजेंसी में डॉक्टर ने फिट हेल्दी एंड मेंटली फिट घोषित किया गया है उसमें, ऐसा कोई बीमारी का उसमें उल्लेख नहीं है। और जो सिस्टम है तलाशी करके बंदी को अंदर ले जाने का, ले जा रहे खाना रख रहा है, फिर लॉकअप लगा। सर उसकी मृत्यु हुई, उसके पहले क्या क्या हुआ था जेल के अंदर उसके साथ? उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस रात में उसको दवाई दिया गया था, अपने मैंने तकलीफ बताया था पेट दर्द दिला करके, तो उसको फार्मासिस्ट तक बुलवा कर उसे दवाई दिलवाया गया। और सुबह कल सवेरे मैं डी आर से पूछने लगा तो बोले कि सर अभी ठीक लग रहा है और दवाई भी खाऊंगा, खाए हो खाना खाने के बाद फिर खाऊंगा। और उसके बाद 11 बजे के बाद उसको मैंने अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टर साहब अरगल साहब देखे होंगे और एक घंटा बाद फिर वापस चेकअप करके वापस जेल भेज दिया गया। पुनः शाम को उसकी तबीयत खराब हुई और 5 बजे के बाद मैं तुरंत अस्पताल भिजवाया उसको, और उसके बाद डॉक्टर मीन साहब ने उसको रिफर कर दिया। और रिफर किए तो स्वयं ने 108 गाड़ी की व्यवस्था की, उसके स्टाफ भी थे एक ड्राइवर, मैं अपने 2 सिपाही भी थे साथ में, और जाते जाते रास्ते में रतनपुर में उसकी मृत्यु हो गई। सर रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी रिफर करने के पहले, तो क्या हुआ था यहाँ? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपने जो 5 बजे उसको भेजा, हाँ, तब क्या हुआ था? उस समय मैंने फोन पर बताया सर बंदी तबीयत खराब हो गई है कि उसको अस्पताल भेजना है बस। क्या लग रहा था उसको, कैसा? ऐसा हल्का से उसमें कमजोरी उसको लग रहा था, देखा उसको जी, बाकी एकदम गंभीर सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं चलिए। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।